You know just what you do to me. Play me. Hey cuties, it's Sushma and welcome back to my channel. It's channel all about crafting. तो आज के क्राफ्ट वीडियो में हम बनाएंगे क्यूट क्यूट से इयररिंग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइनस्टोन चेन इयररिंग्स। इसके लिए मैं यूज करूंगी व्हाइट कलर के बीट्स और राइनस्टोन चेन। व्हाइट कलर के बीट्स को राइनस्टोन चेन के दोनों एंड्स में ग्लू करना है। इयररिंग पहनने के लिए इयररिंग स्टड की नीड थी, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने आई पिन को कट करके इयररिंग स्टड बना लिए और चेन के मिडल पार्टीशन में इसे ग्लू कर दिया। नेक्स्ट इयररिंग्स बनाने के लिए हम क्विलिंग स्ट्रिप्स का यूज करेंगे। इस इयररिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होने वाला है, बस क्विलिंग को राउंड एंड राउंड करते जाना है। मैं यहाँ ब्लू और व्हाइट स्ट्रिप्स का यूज करूंगी। आप अपना या तो फेवरेट कलर चूज कर सकते हो या अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। इसी तरह से मैंने 3 ब्लू के और 2 व्हाइट के राउंड बनाए हैं। अब एक छोटा राउंड और बनाएंगे जिसके लिए मैंने मिडल में व्हाइट कलर यूज किया है और आउटर साइड के लिए ब्लू कलर यूज किया है। देन दोनों राउंड को स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से आपस में ग्लू कर देंगे। अब हम स्मॉल राउंड में जंप रिंग और इयररिंग्स हुक अटैच करेंगे। नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ शेल, बीट्स और चेन। एक आई पिन में बीट और सेल इंसर्ट करने के बाद अपर साइड में चैन इंसर्ट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कर्व कर लेंगे। चैन के एंड में जंप रिंग की हेल्प से इयररिंग हुक अटैच कर लेंगे। दिस इज द लास्ट इयररिंग DIY ऑफ द डे। इसमें हम हुक्स को रिबन की हेल्प से थोड़ा एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं। रिबन को हुक्स की साइज का मेजरमेंट करके इसे कट कर लेंगे और सुई धागे की हेल्प से इसे वन साइड से स्टिच कर लेंगे। इसे फ्लिप करने के बाद हुक के सेंटर पार्ट में इसे फंसा देंगे। अब थ्रेड की हेल्प से एक नॉट टाई कर लेंगे जिससे ये एक क्यूट सा बोहो लुक ले लेगा। इन चारों इयररिंग्स में से सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।